Morning children. Have a cheerful day. Bhauna teacher is with you once again with the EVS lesson Seeds and Seeds. Now we will go further with our lesson. Last session we saw Gopal Gopal story. Now we will go further with that. See children. They, uh, we will do one experiment. Do this and find out. टेक सम चना एंड थ्री बाउल्स पुट फाइव चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट फिल अप विद वाटर हमें चने लेने हैं और तीन कटोरी लेनी है और ईच कटोरी में हमें फाइव फाइव चना डालना है फर्स्ट बाउल में आपने फाइव चने डाले और उसमें पानी डालना है पुट अ अडम पीस ऑफ क्लोथ और सम कॉटन वूल इन सेकेंड बाउल

पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल डू नॉट पुट एनी थिंग एल्स इन इट कवर ऑल द थ्री बाउल्स थर्ड बाउल में हमें क्या करना है खाली चना के पाँच चने के पीसेस हमको रखने हैं उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है अब तीनों को हमको कवर करके रख देना है ऑब्जर्व आफ्टर टू डेज एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल दो दिन हमको ऐसे ही रहने देना है फिर क्या चेंजेज आते हैं वो हमें देखने हैं आर द सीज गेटिंग एयर मतलब तीनों बाउल में एयर मिल रही है फर्स्ट बाउल नो सेकेंड बाउल यस थर्ड बाउल यस आर द सीज गेटिंग वाटर सब सीड्स को तीनों बाउल में जो सीड्स हमने रखे हैं उसको वाटर मिल रहा है फर्स्ट बाउल में यस सेकेंड बाउल में यस yes. थर्ड बॉल नो क्योंकि हमने थर्ड बॉल में खाली चने ही रखे थे उसमें हमने कुछ भी दूसरा रखा नहीं था वॉट चेंजेस डिड यू सी आपको उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला फर्स्ट बाउल चना हैव अप। में जिसमें खाली हमने वाटर और चना रखा था चना पानी में सोख करके रखा था तो चने आ, स्वेल हो गए बड़े हो गए छोटे थे पानी जाने से वो बड़े हो गए सेकेंड बॉल चेंज चनाज हैव स्प्राउटेड चना चने में से छोटे छोटे स्प्राउट छोटी छोटी पूछ निकल आई है थर्ड बाउल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था हैव द सीड्स स्प्राउटेड अब हमें ये देखना है कि तीनों बाउल में सीड्स स्प्राउट हुए कि नहीं फर्स्ट बाउल नो फर्स्ट बाउल में खाली चने बड़े हो गए थे स्वेलअप हो गए थे मगर उसमें से स्प्राउट्स निकले नहीं थे सेकेंड में येस सेकेंड में स्प्राउट्स निकले थे थर्ड बाउल नो इन विच बाउल डिड द सी स्प्राउटेड वॉट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल सी स्प्राउटेड इन बाउल सेकेंड बिकॉज सीज़ गॉट बोथ एयर एंड वाटर बाउल नंबर वन सीज ओनली हमको सेकेंड बाउल में स्प्राउट मिला फर्स्ट बाउल में और थर्ड बाउल में हमको स्प्राउट नहीं मिला क्योंकि फर्स्ट बाउल में ओनली वाटर था और कुछ नहीं था एयर नहीं मिला था इसलिए उसको उसमें स्प्राउट नहीं निकले सेकेंड बाउल में एयर और वाटर दोनों था इसलिए उसमें से स्प्राउट निकले थर्ड बाउल में हमने कुछ भी नहीं रखा था खाली सीड्स के सिवा इसलिए उसमें से स्प्राउट्स नहीं निकले बिकॉज टू स्प्राउट कुछ भी हमें अगर स्प्राउट करना है या उगाना है एट दैट टाइम वी विल नीड एयर एंड वाटर एयर और वाटर दोनों ही जरूरी है एयर और वाटर के बिना स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे now we will move on to project plant your seeds take a clay pot or a tin can with a wide mouth make a small hole at the bottom of the can fill your can with soil put four or five seeds of some kind in the sorry फाइव सीड ऑफ सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस दैम जेंटली डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड मस्टर्ड मीन सरसो फेन्यूग्रीक दैट इज मेथी सीशम तिल एंड कॉरियडर दैट इज धनिया हमें क्या करना है एक पॉट लेना है या फिर टिन टिन का कैन लेना है जिसका ऊपर मुँह मुँह का पोशन बड़ा हो फिर उसमें हमें नीचे छोटा सा होल बनाना है उसके बॉटम में एक छोटा सा होल बनाना है कैन या पॉट को हमको सॉइल से फिलअप करना है फिर ये जो मैंने चीज़ें बताई मस्टर्ड वेन्योग्रिक सीसम और कोरिएंडर इसमें से कोई भी एक चीज़ लेके उनको वो सॉइल में डालना है और उसको बहुत ही पोलाइटली एकदम आराम से उसको प्रेस करना है ऐसा हम अलग अलग ग्रुप बना के कर सकते हैं नाउ वॉट यू हैव टू डू जिस ग्रुप में आप है तो आपको आपको कौन सा सीड लिया उसका नाम लिखिए फिर कौन से डेट को उसको हमने प्लांट किया था सीड्स कब डाले थे वो लिखना है एंड देन दब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन हमको नीचे ऐसे टेबल में बनाना है दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल डेट एट वो प्लांट प्लांट की हाइट कितनी बड़ी तो वन सेंटीमीटर कितनी लीव्स आई उस पर तो टू लीव्स और कोई चेंजेस आपको देखने को मिला नो डेट नाइन्थ नेक्स्ट डे को प्लांट 1.5 सेंटीमीटर था उस पर थ्री लीव्स आ गई थी और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला था जनवरी टेंथ हाइट थी प्लांट की 2.5 सेंटीमीटर फोर लीव्स आ गई थी एंड क्या चेंजेस था स्टेम इज गेटिंग हायर मतलब जो प्लांट की स्टेम थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी जनवरी इलेवेंथ फोर सेंटीमीटर जो प्लांट था वो उसकी हाइट कितनी हो गई थी फोर सेंटीमीटर और अब कितनी लीव्स आ गई थी सिक्स लीव्स स्टैम इज गेटिंग मोर एंड मोर थिकर उस दिन स्टैम हाइट uh, में भी बड़ी और जरा मोटी भी हो गई दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो एंड यू कैन फाइंड आउट द चेंजेस होप अप हियर यू हैव अंडरस्टूड नेक्स्ट सेशन वी विल सी मोर मगर अगेन आई विल टेल यू प्लांट को इमीजिएटली प्लांट में चेंज नहीं आता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है अगर आज सीड डाला तो कल वो ग्रो नहीं होने लगेगा वो थोड़े दिन बाद ग्रो होता है और वो जब ग्रो होता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो अभी हमने इसमें देखा होप अप अपिलयर यू हैव अंडरस्टूड नेक्स्ट सेशन विल मीट अगेन टिल देन बाय बाय सी यू